हुमायूं की बात करते हैं, बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी एवं हिंदा। हुमायूं अपने भाइयों में सबसे बड़ा था, तो ही हिंदाल अपने भाइयों में सबसे छोटा था। इस प्रकार बाबर की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो कुछ ही समय के बाद गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ की धरती का घेरा डाल दिया। उस समय चित्तौड़ की रानी थी रानी कर्णवती। वह एक बच्चे के संरक्षक के रूप में शासन चलाती थी और वक्त था रक्षा बंधन जैसे त्योहार का। हर बहना अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर यही सोचती थी कि दुख के समय में मेरा भाई मेरा साथ देगा। ऐसे पावन और पवित्र अवसर पर जब गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ की धरती का घेरा डाला, यहाँ की रानी कर्णवती रोने लगी और रोते हुए बाजार से एक राखी मंगवाई, चिट्ठी लिखकर चिट्ठी में राखी डालकर हुमायूं को भेजा दी। संजोग इस बात में निहित है, वह चिट्ठी और राखी समय पर हुमायूं को मिल गया। हुमायूं चिट्ठी को जैसे फाड़ता है देखता है राखी, राखी को जूं उठाकर हुमायूं हंसने लग गया, क्योंकि उस समय तक हुमायूं को राखी की महत्ता के बारे में जानकारी नहीं थी। हुमायूं जैसे चिट्ठी पढ़ता है, चिट्ठी पर लिखा हुआ था कि मेरे भाई हुमायूं पहले राखी को बांधो, उसके बाद पत्र को पढ़ो। हुमायूं हंसने लगा, जैसे राखी को कलाई पर बांधता है हुमायूं की सोच बदल गई और उसे लगने लगा कोई मेरा अपना मुझे पुकार रहा है। तुरंत हुमायूं जब राखी पढ़ता है तो राखी जब चिट्ठी हुमायूं पढ़ता है तो शुरुआत ऐसे है, हुमायूं भाई बहन के रिश्ता को जानने के लिए खून के रिश्ता का होना जरूरी नहीं है, एक छोटा सा एहसास काफी है। हुमायूं तुम मुस्लिम हो और हम राजपूत हैं, हम तुम्हें अपना छोटा तुम्हें छोटा भाई मानते हैं। और समय पर गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ की धरती का घेरा डाल दिया है, अगर समय पर तुम अपनी बहन की सम्मान बचाने के लिए नहीं आया तो तुम्हारी बहन की सम्मान की धरती उड़ जाएगी। यह पत्र पढ़कर हुमायूं रोने लग गया। हुमायूं रोने इसलिए लग गया कि एक और बहन की सम्मान बचाने की गुहार, दूसरी ओर हुमायूं की सेना का व्यवस्थित नहीं होना हुमायूं को झकझोर रहा था। हुमायूं पास मात्र इतना ही सेना लेकर हुमायूं की दौड़ की धरती पर आ गया। चिल्ला कर कहा कि गुजरात का शासक बहादुर शाह जिन चित्तौड़ की धरती का घेरा डाला है वहां की रानी कर्णवती मेरी बहन है, अगर हमारी बहन की सम्मान पर थोड़ी सी भी आंच आई तो फिर गुजरात की धरती पर लाशें गिर जाएंगी। हमारी आवाज जा रही है तो याद रखना, गुजरात का शासक बहादुर शाह नक्शा से नाम खत्म कर देंगे गुजरात को, थोड़ी सी भी आंच आई तो फिर इतनी खून बह जाएगी कि गुजरात की धरती का रंग लाल हो जाएगा। हुमायूं के आते ही गुजरात का शासक बहादुर शाह घेरा छोड़कर भाग गया और चित्तौड़ की रानी कर्णवती रोते हुए आई। हुमायूं गले में पत्थर रोने लगी और रोते हुए बोली कि अगले जन्म तू मेरा बड़ा भाई बनकर जन्म लेना। हुमायूं पास क्यों? ताकि मैं तुम्हारे चरण को छू सकूं। हुमायूं इतना भावुक हो गया कि वह चित्तौड़ की धरती पर उठ ना सकता था, लेकिन रुक नहीं पाया क्योंकि हुमायूं की ताकत को चैलेंज दे रहा था शेरशाह सूरी। शेरशाह हुमायूं के बीच 26 जून 1549 ईस्वी को जो युद्ध हुई, इसे हम चौसा के युद्ध के नाम जानते हैं। और इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया और आदेश जारी किया, जिंदा या मुर्दा हुमायूं चाहिए। अब हुमायूं को पकड़ने के लिए गोलियां सिर्फ धरती पर नहीं आसमान में भी चल रही थी, क्राम क्राम क्राम। कभी गोली हुमायूं के बगल से कभी ऊपर से गुजर रहे थे। हुमायूं सीखने लगा, एक पर्वत एक खुदा, एक पर्वत दिगार, हमें बचाओ हमें बचाओ हमें बचाओ।
चिल्ला रहा था। यह बात जब चित्तौड़ की रानी कर्णवती को पता चली तो चित्तौड़ की रानी कर्णवती एक पांव पर खड़ी होकर ऊपर वाला से प्रार्थना करने लगी और बोली कि हे ऊपर वाला, अगर मेरे भाई के शरीर में गोली सट भी गया तो आज से मैं भगवान मानने से इनकार कर दूंगी। और चित्तौड़ की रानी कर्णवती की प्रतिज्ञा का ही फल था, यानी उसके पूजा का ही फल था, यानी उसके प्रार्थना का ही फल था। गोली हुमायूं के बगल से ऊपर से गुजर रहे थे लेकिन हुमायूं के शरीर में छू नहीं रहा था। हुमायूं भागने लगा, चिल्लाने लगा, हे खुदा हे परवरदिगार, गोली इधर से ऊपर से। भागते 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 हुमायूं गंगा नदी जाकर कूद गया। हुमायूं कूद तो गया लेकिन हुमायूं को तैरने नहीं आया। बारिश का वक्त, गंगा में लबालब पानी थी और ये अंधेरी शाम धीरे धीरे अंधेरी रात में तब्दील हो रही थी। आसमान कड़क रही थी, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, तो काली रात शोर मचा रही थी। तन्हाइयां खामोशी से सितारों कुछ कमने जा रहे थे। हुमायूं डूब कर ऊपर आए और चिल्लाए, हे खुदा हे परवरदिगार, आसपास कोई नहीं। एक बात तो है, जब इंसान के जीवन में लगता है आज मेरा कोई नहीं, तो फिर एक कहावत उभर कर आती है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा हो यार। ऐसे समय हुमायूं डूब कर ऊपर आए थे, खुदा। इस तरह के वातावरण में निजाम का नामक भिस्ती पानी लेने दिया गया। वो कहता है कोई डूब रहा और वो पानी में कूद कर बाहर निकाला तो देखता है मुगल बादशाह हुमायूं। हुमायूं बेहोश था। जब हुमायूं होश में आया तो हुमायूं कहता है निजाम का भिस्ती को आप मांगिए, आप क्या चाहिए, जो मांगिए। निजाम का भिस्ती कहा, आप क्या दे सकते, आपके पास क्या है, ना नाम रहा, ना शोहरत रहा, ना सिंहासन रहा, आप हमें क्या दे सकते। हुमायूं का निजाम का भिस्ती मत भूलो, मेरे गले में इतना देवराज है ना, एक निकाल कर तुम्हें दे दूं, तुम्हारी कई जनरेशन की गरीबी मिट जाएगी। निजाम का भिस्ती कहा, यह बात सही है, आपके एक जेवरात में कई जनरेशन की गरीबी मिटा सकती है, लेकिन यही जेवरात अगर आपको सिंहासन दिला दे तो पहले गद्दी बैठिए तब हमें कुछ दीजिए। हुमायूं का ने निजाम का भिस्ती कुछ भी मांग लो, कुछ मांग। निजाम का भिस्ती कहता है कि लगता है कि आप दोबारा राजा बन पाइएगा। हुमायूं का समय आती हम बने पक्का, जिस दिन राजा बनिएगा एक दिन के लिए हमें भारत का राजा बना, यही हम मांगते हैं। हुमायूं कहा कि देखो अभी कोई नहीं है, मेरे और तुम्हारे बीच कोई नहीं है, सिर्फ खुदा है। निजाम का भिस्ती अपनी जिंदगी बचा कर रखना, जिस दिन खुदा ने तक प्रदान किया ना, हम स्वयं गद्दी पर नहीं बैठकर तुम्हें एक दिन के लिए भारत का राजा बनाएंगे। याद रखना हुमायूं बोलना, दरवाजे को तीन बार नॉक करता है, दरवाजा खुलता है तो देखता है उसका सारा भाई सो रहा है, वह भी खड़ा था। हुमायूं को आश्चर्य लगा कि मेरी हार की खबर पूरे दुनिया में चल रही है, लोग नजर मिलाकर बिछाकर ये सोच रहे हैं कि कल क्या होगी, और मेरा भाई सो रहा है। हुमायूं चिल्ला कर कहा गए, कमरा नस करी हिंदा, तुम सब कहने के लिए भाई है, तुम्हारा लालन पालन हम अपने बेटे की तरह किए हैं, तुम्हारे बड़े भाई का सम्मान खतरा में है, तुम सभी मिलकर मेरा साथ दो। उसका सारा भाई साथ देने से इनकार कर दिया, भाजन आप राजा बनने लग थे ही नहीं, आप राजा बनने लायक नहीं थे, भाई बड़े थे इसलिए राजा बने, और आपकी योग्यता पर किसी को भरोसा नहीं है, कोई साथ नहीं देगा। हुमायूं टूट गया, थोड़ा हुमायूं बचा हुआ था वह टूटा ही नहीं, टूट कर बिखर गया। हुमायूं बैठ कर रोने लगा और कहा कि लोग जरूर सही कहते हैं, जब इंसान के जीवन में दुख आता है ना सर पर, तब तो उसका अपना साथ छोड़ता है,
जब इंसान के जीवन में दुख आता है तो सर्वप्रथम जिसका जो जितना नजदीक होता है वही छोड़ता है, मेरा भाई आज मेरा साथ देता है, यही सब ऐसा बोल रहा है। हुमायूं को अगर हम युद्ध नहीं भी करेंगे तो भारत छोड़कर भागना है हमको, क्योंकि हमारी ताकत घट रही है और शेरशाह की ताकत बढ़ रही है, ऐसे ही भागना थे पर युद्ध करके। इस प्रकार हुमायूं और शेरशाह के बीच 1547 ईस्वी को जो युद्ध हुई इसे हम पिलग्राम के युद्ध के नाम जानते हैं, इस युद्ध को ही हम कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इस युद्ध में भी शेरशाह ने पूरा हुमायूं को पराजित कर दिया, हुमायूं भागकर सिंध चला गया। हुमायूं भागकर सिंध क्यों गया? क्योंकि हुमायूं का छोटा भाई हिंदाव सिंध में था। हुमायूं कहना था कि हिंदाव बहुत छोटा था, हम इसे गोद में उठाए, लालन पालन बेटे की तरफ किए हैं, डांट करके हमें एक रोटी देगा, हम कई दिनों से कुछ नहीं। हुमायूं जब सिंध पहुंचता है तो उसका छोटा भाई हिंदाव हुमायूं को देख कर रोने लगता और सीने में सब कर कहता है कि भाईजान जब तक आपको रहना है सिंध में तब तक आप रहेंगे। यही कारण था हुमायूं 15 साल सिंध में। हिंदाव अपने गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ सुबह उठकर ध्यान लगाता और ये ध्यान लगाने में हुमायूं भी जाता। जब हिंदाव हमीदा बानो बेगम दोनों ध्यान लगाने के क्रम में आंख बंद कर लेते थे तो हुमायूं आंख खोल लेता था और हमीदा बानो बेगम को टुकुर 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 देखा करता है। हिंदाव ध्यान लगाने के क्रम में उसका संयोग से आंख खुल गया, देखता है हुमायूं कैसे करके जो देख रहा है देखते जा रहे हैं। हिंदाव का भागना बहुत गलत चीज है, मेरे गुरु इस सब चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं, अगर ऐसी बात नहीं होती तो हम पीछे थोड़ी रहते। हुमायूं का चुप, तुम अपना काम कर, हम अपना काम कर। जब वीरती अकबर जामी को पता चली तो वह तलवार खींचते हुए हमदा बाबू बेगम को बोले, हमदा ये जब तलवार चलती है तो कई रिश्ता कम हो जाते, यह तलवार चलती है कोई रिश्ता को नहीं पहचानती, तुम क्या कर रहे हो मालूम नहीं है, चाहिए तलवार खामोश कर देनी चाहिए। हमदा बानो बेगम रोने लगी, बोली अब्बा जान आपकी मैं एक ही संतान, आपको कोई बेटा भी नहीं है, तलवार चलाकर हमारी जिंदगी खामोश करने से पहले एक लफ्ज हमें बोलने की इजाजत देते। मीर अली अकबर जामी कहते हैं इजाजत है इजाजत है। हमदा बानो बेगम कहती है कि अब्बा जान अगर दुनिया वाले अगर आपसे ये कहे कि ऑक्सीजन के बिना जीकर दिखा दीजिए तो क्या आपके लिए संभव है? तो मीर अली अकबर जामी बोले बिल्कुल नहीं, तो मेरे लिए हुमायूं के बिना जीना संभव। मीर अली अकबर जामी हंसने लगा और हंसते हुए कहा कि हुमायूं हमें भी पसंद है क्योंकि हुमायूं एक अच्छा इंसान है। इस प्रकार हुमायूं की शादी हमीदा बानो बेगम के साथ हो गई और इस विवाह के फलस्वरूप हुमायूं के पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इतिहास में हम इसे जलाल के नाम से जानते हैं। अकबर के जन्म तक हुमायूं की जिंदगी में इतनी गरीबी आ गई, उसके एक रुपये का सिक्का तक नहीं था। जो इंसान ने यह पृथ्वी दिया कि आपको बेटा हुआ है खुशखबरी के तौर पर एक रुपया दे सके। हुमायूं बहुत उदास था, बैठा हुआ हमीदा बानो बेगम आई पीछे से हुमायूं के गले पर लटक कर बोले कि मुगल बादशाह इतना दुखी तो आज तक हम आपको नहीं देखे, आप इतना दुखी क्यों है? हुमायूं का बेगम आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि आप हमसे शादी करके बहुत गलत किए? तो बेगम ने क्यों आज तक हम आपको क्या दिए? कुछ भी नहीं दिए। हमीदा बानो बेगम बोलती है कि दिया किसको जाता है जिसको जीवन में किसी चीज की कमी है। हम एक महिला हैं और महिला को क्या चाहिए? उसे एक अच्छा पति चाहिए, एक अच्छा संतान चाहिए और ये तीनों चीज मेरे पास है, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लेने और देने की बात है, अगर आप राजा होते तो हमें क्या देते? हुमायूं रोते हुए कहता है बेगम आपको कुछ भी नहीं देते, सिर्फ एक मैरून कलर की साड़ी देते। हमीदा बानो
बेगम हंसकर बोली कि मैरून कलर ही क्यों? हुमायूं कहता है कि मैरून कलर इसलिए क्योंकि मैरून कलर का जो कपड़ा आप पर बेगम बहुत ज्यादा पकता है, इसलिए मैरून कलर की साड़ी देते हैं। जब हम बेगम धोने लगे बोली खुदा की कसम आज के बाद मैरून कलर का कोई कपड़ा नहीं पहनेंगे जब तक आप स्वयं राजा नहीं बन जाते और अपनी कमाई से स्वयं बाजार जाकर मेरे लिए मैरून कलर की साड़ी नहीं लाते। हुमायूं कहा बेगम इतनी बड़ी कुआं मत पालिया, हम राजा बनने लायक है ही नहीं, अगर राजा बनने लायक रहते तो मेरा भाई मेरा साथ छोड़ता। हमदा बानो बेगम बोली कौन कहता है राजा बनने लायक नहीं है? आप ही हैं जो गुजरात के शासक महापुरुष साहब को पराजित किया था ना, आप ही हैं सिदेश सासुरी को अखिलता स्वीकार करने के बाद किया था, आप ही हैं चित्तौड़ की रानी कर्णवती की सम्मान की रक्षा की, ये सब काम बिना योग्यता की हुई है, आपके बहुत टैलेंट है, अपना विश्वास को बढ़ाइए और मेरे नाम पर सेना का गठन कीजिए। हुमायूं कहता है कि जिस इंसान को हम सेना में शामिल करेंगे उसकी तनख्वाह कमाते हैं, वैसा मुझे ही नहीं। हमदा बानो बेगम क्या की, उसके जितने भी उसके घर में कॉस्टली सामान थे, साड़ी थी, रानी की साड़ी तो सोना चांदी हीरा मोती लगा रहा था, वह सबको बेच डाली और बेच डाली और वह बेच कर जो पैसा हुआ हुमायूं किया, और हुमायूं कितना ही प्यारा सेना का गठन किया। जब हुमायूं सेना का निरीक्षण करता था हमदा बानो बेगम वहां पहुंचकर हुमायूं की हौसला को बढ़ाता था, हमदा बानो बेगम वहां पहुंचकर हुमायूं की हौसला को बढ़ाती थी और हुमायूं की जो हौसला बढ़ गया हुमायूं भारत की धरती पर आए गए, पूरे पंजाब को हुमायूं ने जीत लिया। इतनी बड़ी सफलता को देखकर हमदा बानो बेगम चीखने लगी, बोली कि मुगल बादशाह बताइए इतना बड़ा पंजाब को जीते हैं, ये बिना योग्यता की हुई है, अरे आपकी बहुत टैलेंट है, अपना विश्वास बढ़ाइए, इस बार हमें दिल्ली की ताकत चाहिए, सेना का विस्तार कीजिए। हुमायूं का बेगम सेना का विस्तार कैसे करें मेरे साथ नहीं, हमदा बानो बेगम क्या की अपने शरीर का सारा जेवरात ले डाली, पैसा कम गया, अकबर के गले में एक कीमती हीरे का लॉकेट था उसे ले डाली और हुमायूं के साथ हुमायूं फिर सेना का विस्तार किया। हुमायूं सेना का निरीक्षण करते करते हमदा बानो बेगम की ओर देखा, हुमायूं कहता था बेगम साहिबा आपकी नाक कान खाली क्यों है? मेरा बेटा ये जलाल का गला का रॉकेट क्या हुआ? हमदा बानो बेगम बोली हम खोल कर रख दिए बात, और हुमायूं का जब सेना का विस्तार हुआ फिर भारत की धरती पर आता है अटैक, और जून 1555 ईस्वी में मछवारा एवं सरहिंद के युद्ध को जीतते ही दिल्ली की तख्त पर हुमायूं का अधिकार हो गया। दिल्ली की तख्त पर जब हुमायूं का अधिकार हो गया तो हुमायूं ने दिल्ली में तीन पना नामक किला का निर्माण किया, याद रखना है। दिल्ली की तख्त पर हुमायूं का अधिकार हो गया, हुमायूं जब गद्दी पर बैठने के लिए जा रहा था तो हुमायूं जब दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए जा रहा था तो साथ में हमदा बानो बेगम थी और खुशी की लहर थी। हुमायूं का बढ़ता हुआ कदम रुक गया, हमदा बानो बेगम चिल्लाने लगी जब तक तू कदम पर है माफ दो कदम पर, आपका बढ़ता हुआ कदम क्यों रुक गया? हुमायूं रोते हुए कहा कि बेगम, हुमायूं हमदा बानो बेगम बोली आज तक हम कभी शिकायत की ना आपको, लेकिन आप शिकायत करते हैं, 15 साल से अधिक का समय बीता, रात दिन मिलाकर किसी के परिवार में 4 से ज्यादा रोटी मेरे यहां नहीं बना, रात दिन मिलाकर 15 साल से अधिक समय बीता है, रात और दिन मिलाकर 4 रोटी ज्यादा कभी नहीं बना मेरे यहां, एक रोटी मैं खाती थी, एक मेरा बेटा जलाल खाता था, 2 आपको देती थी, आप एक जानवर खिला देते थे, कौन ऐसा परिवार होगा रात दिन मिलाकर 4 रोटी बनता हो, 15 साल से अधिक का समय बीता कोई एक चप्पल तक नहीं पहना, कोई नया तक कपड़ा तक नहीं पहना, फटा हुआ कपड़ा को लोग जोर जोर कर जीवन चलाए, जब सिंहासन 2 कदम पर है तो आपका बढ़ता हुआ कदम क्यों रुका? हुमायूं कहा कि बेगम हम जमाने की बात करते थे, जमाने में आप हमारी जिंदगी में नहीं आए और हम चौसा का युद्ध लड़े थे, मेरी हार हो चुकी थी, बेगम बोली मेरे बगल ऊपर गुजर रहे थे, जीवन में जिंदगी बचाने के लिए मैंने गंगा में कूद दिया, लेकिन तैर देने जाता मेरे पानी से डर है, एक इंसान हमारी जिंदगी बचाई उसका नाम था निजाम खान, मैंने उसके वादा किया था खुदा दीदी तक प्रदान किया ना तो सिंहासन पर स्वयं नहीं बैठकर एक दिन दिन तुम्हें भारत का राजा बनाएंगे। बेगम 2 कदम पर सिंहासन है, आप कहिए तो अपनी वादा तोड़ दें। हमदा बानो बेगम बोलते हैं अगर वादा पूरा करते हैं मुगल बादशाह मेरी आंखों मेरी नजर में आपका सम्मान बढ़ता है,
शामिल हो। निजाम का हिस्ट्री का पता लगाया जाए, मुगल सम्राट की धरती नहीं आसमान की तलाशी ली जाए। मुगल सेना सुबह निकली तो रात के 12 बजे पता चलता है कि बगल में टूटा हुआ बदमकान में निजाम का हिस्ट्री रहता है। हुमायूं राजशाही पोशाक में सेना के साथ निजाम का हिस्ट्री से मिलने के लिए रात के 12 बजे उसके घर जाता और दरवाजे को खिड़मा करता है। तीन बार निजाम का हिस्ट्री 15 साल कब्ज में नहीं होता है, उसकी आंख की रोशनी कमजोर पड़ गई। वह हुमायूं को पहचाना नहीं और हुमायूं चरणों में गिर कर रोने लगा, कहा हमें मारिए नहीं, हम पकड़िए नहीं, हम लोग गरीब हैं, रात दिन मेहनत करके तो रोटी नसीब होता है और मेरे यहाँ तो खाना भी नहीं बना है, देखिए मेरा बच्चा रो रहा है। निजाम का बेटी का छोटा छोटा बच्चा रोते भी कहा जल नहीं हमारे पालन बहुत मार रहे। हुमायूं निजाम का बेटी गले लगा लिया और कहा कि आपको ना मारने आए ना पकड़ने, याद पाई आपने मुगल बादशाह हुमायूं को गंगा में डूबने से बचाया था, मैंने कहा था ना एक दिन के लिए भारत राजा बनाएंगे। हाँ बाबा मैं मुगल बादशाह हुमायूं, लेख मत कीजिए राज्याभिषेक भी लेट हो रही है। राज्याभिषेक का नाम सुनकर निजाम का भी इतना खुश हुआ जो अभी तक अपनी पत्नी को पत्नी कहता था। राज्याभिषेक के नाम सुनते हुए कहा कि ए बेगम तैयार हो जाओ राज्याभिषेक के लिए। जब वो दिल्ली आया तो उसके दादी को प्रिंस कर काटा गया, उसके बाद इत्र से स्नान कराया गया। यही इंसान भारत में, यही इंसान इसके बाद इसे गद्दी बैठाया गया और ये निजाम था इसी दिल्ली की गद्दी बैठी वासनपुर भारत में चमड़ा का सिक्का चलाया, चमड़ा का सिक्का चलाया। इतिहास की पहली घटना यही से मानी जाती है, ये इतिहास की पहली घटना जो किसी राजा ने चमड़ा का सिक्का चला रहा हो। और इस घटना के विषय में हमें जानकारी हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के साथ हुमायूं नामा ली थी। इसके बाद हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठा और अपनी जिंदगी की पहली कमाई से शानदार स्वयं बना गया। मैरून कलर की साड़ी खरीद कर हुमायूं आया और महल, मैरून कलर की साड़ी खरीद कर हुमायूं आया और महल के नीचे खड़ा होकर आवाज देता है बेगम साहिबा कहाँ है आप। लेकिन ये हल्ला बनो बेगम अमल में नहीं, हुमायूं उदास हो गया, कहा मेरे जीवन में खुशी नहीं है। आज हम कई साल के बाद थोड़ा खुश होते लेकिन बेगम महल में नहीं। हुमायूं उदास होकर दीदी के दीन पाना नामक पुस्तकालय से और यहाँ पर किताब पढ़ने लगे। हमदा बानो बेगम आई और यहाँ से चिल्ला कर बोली कि कहाँ है मुगल बादशाह। हुमायूं फिर खुश हो गया और मैरून कलर की साड़ी लेकर हमदा बानो बेगम को देखते हुए यह सीरीज जब उतर रहा था तो हुमायूं का पांव स्लिप कर गया और गिरते 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 हुमायूं यहाँ आया। हुमायूं का सर बीचों बीच फट गया, एकदम फट गया। ये खून के जो छींटे दिल्ली की धरती को जो पड़े थे यह सूखे हुए भी नहीं। हुमायूं की आंख में जो आंसू आ गए इससे विश्राम भी नहीं मिले। हुमायूं चीखते हुए कहा कि बेगम लेट मत कीजिए, इसे कबूल कीजिए। हमदा बानो बेगम कहती 15 साल पुरानी बातें आपको याद। हुमायूं कहा कि आपकी हर एक चीज याद है, आप मेरे लिए उसका वक्त नहीं है, जल्दी से पहुंच कराइए। हमदा बानो बेगम नहीं समझ पा कि इंसान अब जिंदा नहीं रहेगा। वो बोलने लगे कि इससे ज्यादा कीमती तोहफा मेरे जीवन में कभी नहीं हो सकता, एक वादा और कर दो हुमायूं, इसके बाद जीवन में कभी हमसे वादा मत करना, हमारी मौत तुम्हारे जीवन काल में हो, हमारी मौत तुम्हारे जीवन काल में हो, और जब हमारी मौत हो जाए तो यही मैरून कलर की साड़ी हमें अपने हाथों से पहना देना, दुल्हन की तरह हमें सजा देना और प्यार से अपने कंधे को उठा देना, उसके बाद हमें दफना देना। हुमायूं का मेरे पास वक्त नहीं है, आप जल्द आइए साड़ी पहनना चाहिए, हम देखना चाहते हैं। हमदा बानो बेगम जब साड़ी पहनने लगी तो शायद उसे ये एहसास नहीं था हुमायूं जिंदा नहीं रहता। साड़ी पहनने लग गया वक्त और साड़ी पहनने जो वक्त लग गया इस बीच हुमायूं एक एक सेकेंड मौत से जूझ रहा था और चीख रहा था अंधा अंधा अंधा। जब हमदा बानो बेगम आई तो 2 कदम लेट हो चुकी थी, 2 कदम हुमायूं के सामने जैसे आंचल ऐसे लहरा कर करती है कि मुगल बादशाह कैसा लग रहा है। हुमायूं इसी समय प्राण चुक गए, अंतिम बार ऐसे देखा हूं हमदा बानो बेगम को देखते रह गया। मरे हुए हुमायूं करीब बार बार आंचल लहरा कर हमदा बानो बेगम चिल्ला कर रोके, बोलते क्यों नहीं, कैसा लग रहा है बोलिए तो, बोलते क्यों नहीं, हाथ देखते कैसे करती हाथ। हुमायूं सर नीचे हो जाते, हमदा बानो बेगम चीखने लगती, बोले नहीं हुमायूं तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं हुमायूं, अकड़ कर पकड़ लेती है और कहती से कोई नहीं दफनाएगा क्योंकि मेरा बात काटता नहीं है, फिर लौटेगा।
लेकिन जबरदस्ती हमदा बानो बेगम की हुमायूं को छीन कर दफना दिया गया। लेकिन मुगल बादशाह अकबर अभी बच्चा था, यह नहीं समझ पाया कि इसके पिता की मौत हो चुकी है। वह कभी हुमायूं को हाथ उठाया और कहे कि अब्बा जान खेलने के नहीं बॉल, मेरे साथ बोलने के लिए कितना सो गया। कभी आंख खोले खोले उठिए आप, जब वो अपनी अपनी अम्मी जान को हंसते रोते हुए देखा तब अकबर बच्चा था, घुस गया मेरे अब्बा जान की मौत हो गई। अपनी माँ को आंसू को छूते हुए अकबर ने कहा था, अम्मी जान रोना नहीं मैं सूरज हूँ, अम्मी जान रोना नहीं मैं सूरज हूँ, दमक छोड़ जाऊंगा अगर डूब भी गया इस धरती पर प्रश्न छोड़ जाऊंगा। इस प्रकार इतिहासकार लेनपुर ने लिखते हुए हुमायूं के बारे में कहा, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन भाग ने इसका कभी साथ नहीं दिया। यह जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए इसकी मौत हुई। इस प्रकार हुमायूं ज्योतिष के हिसाब से सप्ताह में 7 घंटा कपड़ा पहनता था, जिनके कर्म देते हैं ग्रामीण।